हेलो गाइज, वेलकम टू ISPCS एकेडमी। आज हम SSC GD का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। हम पहला प्रैक्टिस सेट पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, 2 की घात 194 प्लस 7 की घात 631 का इकाई अंक क्या है? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दो की घात 631, माफ़ कीजिए, 2 की घात 194 प्लस 7 की घात 631। तो हम इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले घात में 4 का भाग देते हैं। तो 194 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 3 बचा 4 8 32, रिमाइंडर आया 2, शेष बचा है 2। और जब हम 631 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 2 बचा 4 5 20 4 28 आया 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 2 प्लस 7 की घात 3। तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 7 की घात 3 का मतलब 7 का क्यूब होता है 343। इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 347। यहाँ पर 7 जो है आपका इकाई का अंक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ऐसा करते क्यों हैं, हम 4 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या की घात में 4 घात के बाद अंक फिर से, इकाई का अंक फिर से रिपीट होता है, इसलिए हम घात में 4 का भाग देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? तो आइए चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाता है इस सवाल को। 74 के धनात्मक गुणन, तो 74 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 से कटेगा, कितना आएगा 37। और 37 फिर किसी से कटेगा नहीं, ये एक अभाज्य संख्या, तो क्या आएगा 2 की पावर 1 × 37 की पावर 1। धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी पावर में भी 1 जोड़ देंगे और लिख देंगे, और ये आ जाएगा 2 × 2, आंसर होगा 4। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 8 दोनों से विभाजित होती हैं? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 300 से 425 की बात हो रही है, और ऐसी संख्या निकालनी 4 और 8 दोनों से विभाजित होंगी। तो 4 और 8 से वो संख्या विभाजित होंगी जो इन दोनों के एलसीएम से संख्या विभाजित होगी। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 8। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 से 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 2, तो 4 दूनी 8 ही आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, जो संख्याएँ 8 से विभाजित होंगी वो संख्याएँ इन दोनों से 4 और 8 दोनों से विभाजित, दोनों से विभाजित संख्याएँ पूछेंगे। तो हम देखते हैं 300 से लेकर 425 तक सबसे पहली संख्या जो 8 से विभाजित होगी वो 308 होगी। उसके बाद जो दूसरी संख्या 8 से विभाजित होगी वो होगी 304 होगी, और जो दूसरी संख्या 8 से विभाजित होगी वो होगी 312। ठीक है, और अंतिम संख्या अगर हम देखें तो क्या होगी, 424। 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है, अंतिम दो अंकों में अगर हम 8 का भाग देंगे, अगर वो कट जाएंगे तीनों अंकों में अगर हम 8 का भाग देंगे और वो कट जाएंगे तो वो विभाज्य है 8 से। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। एक समांतर श्रेणी बन गई है 8 8 के अंतर पे। तो इसका पहला पद है 304। डी सार्वांतर की बात करें वो है
आठ और अंतिम पद यल बराबर है 424। तो क्या करेंगे आगे, 424 यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में। अंतिम पद का मान निकालने के लिए तो अंतिम पद है 424 बराबर 304 प्लस एन, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने पद 8 से विभाज्य होंगे, और डी है 8। 304 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 2 के 2 और 120 आया, बराबर आया एन माइनस वन इंटू 8। 8 से काटेंगे, 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, तो एन माइनस वन की वैल्यू आई 15, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 16, तो हमारा आंसर होगा 16। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 16 अंडर रूट 25 का होल ऑफ अंडर रूट 160 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, इसका मान कितना होगा 4 और इसका मान कितना होगा 5, अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, तो 5 और 4 जुड़कर हो जाएगा 9 और इनका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 160 में जब 9 जुड़ेगा तो हो जाएगा 169 और 169 अंडर रूट 169 किसका मान क्या होगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। तो समानुपातिक निकालते हैं 12 अनुपात 16 अनुपात समानुपात 18 अनुपात, हम कोई संख्या लें डी मान लेते हैं, तो क्या अंदर वाले दोनों का गुणा करेंगे और अंदर वाले दोनों का गुणा बाहर वाले दोनों के गुणा के बराबर होगा, तो 16 गुणे 18 बराबर होगा डी गुणे 12 के, तो हमें डी का मान निकालना है 16 गुणे 18 बराबर 12 गुणे डी, 6 से काटिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 8 16, तो 8 3 24 हमारा डी का मान आ गया, ऑप्शन सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 परिणामों का औसत 11 परिणामों का औसत 60 अंक है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है, तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 11 परिणामों का औसत 60 अंक और 11 परिणामों का औसत 60 अंक है, पहले 6 का 59 और अंतिम 6 का 62 है, तो पहले 6 का 59 और अंतिम 6 का 62 है, 11 ये 660 हो जाएगा, टोटल परिणाम 11 है उनका औसत है 60, तो कुल निकालेंगे तो 660 हो जाएगा, 6 का निकालेंगे तो 6 नंबर 54 की 4 वहाँ से लगा 5, 6 पंचे 305 35 354 हो गया, और इनका निकालेंगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल 6 चरंग 36 और 37, इन दोनों को जोड़ लेंगे 4 2 6 7 5 12 की, तो
726 हुआ। आप देखिए ये 6 परिणाम और 6 परिणाम मिलाकर 12 परिणाम होगा, क्योंकि किसी एक परिणाम को दो बार काउंट किया गया, उसी परिणाम की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6 में से 0 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6 और ये 66 हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 66 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को ₹50 प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, निवल लाभ कितना है। चलिए देखते हैं इसका सम। 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े निकल गए, तो 100 माइनस 4 करेंगे 96 सेब बचे। अब इन्हें दर्जन में बेचा गया तो हम निकाल लेंगे कितने दर्जन हैं, 12 8 96, तो ये 8 दर्जन सेब हुए। 8 दर्जन सेब को किस रेट पर बेचा गया, 8 दर्जन सेब को ₹50 प्रति दर्जन के हिसाब बेचा गया, तो ये ₹400 में इन्हें बेचा गया आपको। जब ₹400 में बेचा गया और इन्हें ₹300 में ख़रीदा था, तो निवल लाभ कुल लाभ कितना हुआ, ₹100 का हमें लाभ हुआ। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है, वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं। देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, ए 10 दिन में कर सकता है, बी ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम की बात करें तो 20 आया, 10 दूनी 20, 20 एकम, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो क्या बताया, आगे सवाल देख लेते हैं। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका मतलब है दोनों ने 5 दिन तक तो साथ में कार्य किया है, तो जब 5 दिन तक साथ में कार्य किया तो इनकी कुल क्षमता 3 आई है, 3 क्षमता से 5 दिन तक साथ में कार्य किया तो ये 15 हो गया, 15 कार्य इन्होंने साथ में कर लिया। अब ए ने कार्य को छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया तो 15 20 में से 15 घटा दें, कार्य बचा कितना है 5, वो किस क्षमता से, बी की क्षमता 1 है, 1 क्षमता से करेगा और कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में वो कार्य समाप्त करेगा। ये आपका आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि पहले वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक समान होता है, केवल दूसरे वर्ष में उनमें अंतर आता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले वर्ष में तो 4 और दूसरे वर्ष में 4 मिला होगा, लेकिन इस वर्ष इस 4 जो ब्याज में पहले वर्ष में मिला था इस पे भी 4% मिलेगा, तो 4 का 4% जब हम निकालेंगे तो आएगा 0.16, क्योंकि 4 से 16 हो जाएगा और 0 0 से भाग जाएगा तो 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर हमसे कहा गया इन सबको जोड़ देंगे तो ये 8.16, ये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमें, ₹102 दी गई। हमसे पूछा गया 2 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, तो पहले वर्ष अगर 4 मिला होगा तो दूसरे वर्ष भी 4 मिला होगा, जब दोनों वर्ष में 4 4 साधारण ब्याज मिलेगा तो साधारण ब्याज कितना हो गया 8, मतलब हमें 8.16 की वैल्यू दी गई है और 8 की वैल्यू पूछी गई, तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 102 बटे 8.16 गुणे 8, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 102 से 8 बार चला जाएगा, 1 से 8 और 8 दूनी 16, 8 बार चला गया और इस 8 से काटेंगे तो ये 1 बार चला गया है, तो यहाँ पे कितना है, तो 8 की वैल्यू आई ₹100। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ₹100 होगा।
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज है 100 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 प्यालों का लागत मूल्य। लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस या CP भी बोलते हैं। 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है और उसे SP बोलते हैं, विक्रय मूल्य को SP। तो 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर, आइए देखते हैं। CP ऑफ 50 इज इक्वल टू SP ऑफ 40। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, CP अपॉन SP बराबर 40/50। 0 से 0 कट गया। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस था और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 4/5 ही रेशियो आ गया। ये रियल वैल्यू नहीं है, रेशियो रियल वैल्यू नहीं होते हैं। तो रेशियो में हमें 4, यहाँ पे 1 का लाभ हुआ, लेकिन 1 का लाभ कितना, हमने 4 रुपये की लागत लगाई थी। कॉस्ट प्राइस हमारा 4 रुपये था, लागत 4 रुपये थी, 4 रुपये की लागत, 1 रुपये का लाभ हमें 4 रुपये पर हुआ। परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आएगा 25% का हमें लाभ हुआ है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। चलिए लिख लेते हैं इस सवाल को। 10 नग 8 रुपये में खरीदता है, 10 नग खरीदे हैं 8 रुपये में, देखते हैं आगे, और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है, और 8 नग बेचता है 10 रुपये में। इस तरह के सवालों को करने के लिए, यहाँ पर हमें लाभ हानि पता करनी होगी, करने के लिए क्या करते हैं हम, वस्तुओं को, हमारे पास वस्तुओं के नाम पर इस वक्त नग हैं तो हम इन्हें ही बराबर करेंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, इन दोनों का LCM हो जाएगा 40। 40 करने के लिए इसमें हम 5 का गुणा करेंगे। एक बार सवाल को मैं दोबारा देख लेता हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रहा। 10 नग 8 रुपये में ख़रीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। 10 नग 8 रुपये में ख़रीदा है बाई और 8 नग को 10 रुपये में बेचा है सेल। तो और इधर 4 का मल्टीप्लाई होगा, नगों को बराबर करने के लिए ये 40 हो जाएंगे और ये भी 40 हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 40 नग कितने रुपए में ख़रीदे, 8/6 32 रुपये में ख़रीदे और 8/5 40 नग बेचे कितने रुपए में, 50 रुपये में बेचे। यहाँ पर ये हमारा CP है, ये हमारी लागत है और ये हमारा SP है, ये हमारे विक्रय मूल्य है। तो हमें लाभ CP पे निकालते हैं, लाभ हानि CP पर निकालते हैं। तो कितने का लाभ हो रहा, 18 का लाभ हो रहा, कितने पे, 32 रुपये हमने लगाए थे। परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/8 32 25 आएगा, 2/8 2 नेम 18, 25 नेमा 225 होता है, बटे 4 4/5 20 बचा 2/25, 4/6 24 4 2 8 4/5 20, ये हमारा आंसर होगा। 56.25% का हमें लाभ होगा। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का सवाल आपको जनरल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और लगभग सभी बुक्स में भी मिल जाता है। तो देखते हैं, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। पूरे विश्व में 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1:2 और 2:3, यहाँ पर हम एक मेथड लगाते हैं जिसे एलिगेशन कहते हैं। यहाँ पर हम किसी एक का अनुपात ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भूमि दी है, ये भूमि है और यहाँ पर ये भूमि है, तो हम ले लेते हैं 1, माफ कीजिए 2, ये नॉर्थ
उत्तरी गोलार्ध के लिए, ये साउथ दक्षिणी गोलार्ध के लिए। 2/5 टोटल है 5। यहाँ पर हमें x पता करना है, बीच में हम रखेंगे 1/3, और नीचे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की मात्रा तो समान ही होगी क्योंकि वो दोनों बराबर ही होंगे आपस में। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनेगी, इसमें से इसे माइनस करेंगे और इसमें से इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। 2/5 माइनस 1/3 बराबर 1/3 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 15, 15 एलसीएम, 5 3 15, 3 2 6 माइनस 3 2 6 5 15 5 बराबर 1 माइनस 3x/3, 3 से काट देंगे थे 5 15, यहाँ पर 1 बचे, तो 1/5 बराबर 1 माइनस 3x। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बराबर 5 माइनस 15x। यहाँ से 15x को इधर ले आएंगे तो 15x बराबर, 1 को उधर लाए जाएंगे माइनस हो जाएगा 4, तो x बराबर आएगा 4/15, ठीक है। जब ये 4/15 आया, ये हमारा आंसर नहीं है, 4:15 आंसर नहीं होगा, ये 4, ये 15 हमारा कुल क्षेत्रफल आया है और 4 हमारा भूमि का क्षेत्रफल आया है। तो अगर हम अनुपात की बात करें जल और, तो कुल क्षेत्रफल में से जब हम भूमि घटा देंगे तो जल बचेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा, 4 भूमि होगी और 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 जल बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 4:11 ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि इसे उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो इस पर 1440 अधिक मिलते। आइए देखते हैं, 4 वर्ष के लिए रखी गई, हमें नहीं पता किस इंटरेस्ट पर रखा गया और हमें उससे कोई मतलब भी नहीं, हमें इससे मतलब है कि 3% अधिक पर रखी जाती है। जब 3% अधिक पर रखेंगे तो 4 सालों में कितना अधिक ब्याज मिलेगा, हमें 12% मिलेगा। 12% ब्याज कितना रुपयों में कितना है, 1440, तो 12 का स्क्वायर होता है 12 12 144, 0 120 हो गया, तो 1% की वैल्यू आ गई यहाँ से 120 रुपये। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी, ये आपका आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6,000 रुपये है, वहाँ 12 अधिकारियों का औसत वेतन 5,600 है, इस फैक्ट्री में कुल कितने, कुल कामगारों की संख्या कितनी है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, चलिए करते हैं। कामगारों का औसत वेतन 6,000 है और 12 अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 है। पहले मैं ये मान लेता हूँ कि वहाँ पर जो कामगार हैं, टोटल काम करने वाले लोग कितने हैं, वो एक्स हैं, तो यहाँ पर जो बिना अधिकार 12 अधिकारी हैं तो बचे हुए लोग कितने होंगे, एक्स माइनस 12, ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। औसत वेतन 6,000 है तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, 6,000 × x, एक्स लोग थे, बराबर बात करें, देख लेते हैं सवाल को दोबारा। 12 अधिकारी हैं, उनका वेतन है 14,000, 12 अधिकारियों का वेतन है 14,000 और बचे हुए लोगों का 5,600 प्लस एक्स माइनस 12 जो लोग हैं उनका वेतन है 5,600, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो 2 0 हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हुआ 60x बराबर 12 4 48 की 8, हाँ से लगा 4, 12 1 12 4 16, 168 प्लस 56x माइनस 12 6 72 की 2, हाँ से लगा 7, 12 5 60 और 7 67, 672, ठीक है। 56x इधर जाएगा तो बचेगा 4x बराबर
इसमें लगता है कोई गलती है। 12 चौक 48 की 8 आंसर लगा 4 12 एकम 12 4 16 और एक जीरो लगाना भूल गए, माफ़ कीजिए ये जीरो यहाँ पर था, 14,000 रुपये थे तो ये जीरो लग जाएगा। यहाँ पर इससे अगर 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया जी, यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ 1,008। एक्स बराबर निकालेंगे, 4 2 8 बचा कितना, 2 20, 4 5 20, 4 2 तो 252 कुल लोग फैक्ट्री में थे। और अगर हम बात करें कि बिना अधिकारी 12 अधिकारी निकालने के बाद कितने लोग थे, तो मेरे ख्याल से 240 लोग थे। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और क्या पूछा गया। कुल कामगारों की संख्या, तो अधिकारियों के साथ पूछा है तो ये 252 आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 मीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 24 मीटर है, इसका आयतन बताएं। तो सबसे पहले प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। तो सबसे पहले बताएं प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो पहले हम आधार का क्षेत्रफल निकालें क्योंकि आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है √3/4a² ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 √3/4 = 49 ये हुआ आपका आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे तो 4 × 6 = 24 6 का गुणा 6 = 54 हासिल लगा 5 6 × 6 = 24 और 5 = 29 √294 आपका आंसर आ जाएगा और ये मीटर क्यूब में आया क्योंकि सारे यूनिट हमें मीटर में दिए गए हैं, मीटर क्यूब में आएगा। यहाँ पर जब ये क्षेत्रफल आएगा तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो 294 √3 दोबारा कर लेते हैं, मैं भूल रहा हूँ क्या आप। √3/4 = 24 4 × 24 6 × 54 हासिल लगा 5 6 × 24 = 5 = 29 √294 मीटर क्यूब हमारा आंसर आया। इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, लगता है क्वेश्चन में कुछ गलती है। रुकिए मैं ज़रा एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, हमारा आंसर आ रहा था 294 √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग। जब हम 294 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, 1 से करेंगे तो 294 ही रहेगा और 7 से करके देख लें 7 × 28 = 8 क्योंकि ब्लैंक पेज पे ही करते हैं 294 × 0.7 28 = 8 हासिल लगा 2 7 × 63 = 2 65 = 5 हासिल लगा 1 7 × 2 = 14 और 2 = 16 तो 165 और 294 5 4 9 9 6 15 = 5 तो हमारा आंसर 509 समथिंग आएगा, ऑप्शन 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेले 12 दिन में और सी के साथ 4 दिन में, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए 8, बी 12, सी के साथ 4। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में। एलसीएम की बात करें 24 होगा, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 4 × 6 = 24 तो ए और बी की क्षमता आई है 3 और 2 और यहाँ पर
तीनों की मिला के क्षमता आई है 6, तो सी की क्षमता आएगी 1, क्योंकि ए और बी की मिलाकर घटा देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी। पूछा गया था तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा। इन्होंने इसे सी की क्षमता आई है, ए की क्षमता है, ए बी सी 3 2 1, 720 रुपए को 600 में बांटना है, 6 12 72 और 120 आया, 1 = 120 जो कि एक ही सी की क्षमता है, तो सी का हिस्सा होगा 120 रुपये जब वो साथ में काम करेंगे। इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जब वो साथ में काम करेंगे तो सी का हिस्सा 120 रुपये होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। 169 का मान निकालेंगे तो ये होगा 13, इसे इसमें जोड़ेंगे तो 8 3 11 कि 1 और हाँ से लगा 1 6 और 2 8 81, इसका मान हो जाएगा 9। जब इसे इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225 और 225 का रूट निकालेंगे तो आएगा 15। 15 और 129 को जब हम जोड़ देंगे तो 9 5 14 4 हाँ से लगा 1 2 2 4 और 1 144 और 144 अंडर रूट का मान होता है 12। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड ही इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वर्ग की भुजा 10% बढ़ती है, +10 + 10 × 10/100। यहाँ पर एक फार्मूला लगता है ±x ± xy/100, तो यहाँ पर आएगा 10 10 20 और 1 21% का बढ़ोतरी होगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26,580 कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है, त्यौहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 26,580 की वस्तु है, 26,580 की वस्तु, पहले वो 10 की छूट देता, छूट को हमेशा माइनस में लेते हैं, 26,580 - 10 और फिर 5 की छूट देता, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 × 5/100, 10 × 50 × 2 = 100, यहाँ पर 10 × 5 = 15 थी, 14.5 की छूट देता है, तो ये 26,580 का 14.5 निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे, इतनी परसेंट की छूट देता है, परसेंट निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, 2.9 और 2 से काटेंगे 26,000 है, माफ़ कीजिए 13 2 × 8 134, तो 2.9 134 × 2.9, 9 × 4 = 36 की 6 हासिल लगा 3, 9 × 3 = 27 और 3 × 3 = 0 हासिल लगा 3, 9 × 1 = 9 = 3 = 12, 268 ऐड करेंगे, 6 8 6 2 8 2 1 3, 6 2 8 2 1 3, एक अंक के बाद डेसिमल है, 3886। छब्बीस हजार पाँच सौ अस्सी में से 3886 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, 17 में से 8 गया 9, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 22,694। देख लीजिएगा इसका कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो रही है, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेथड यही रहेगा। स्पिरिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है, किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। स्पिरिट और जल का 20 किलोग्राम मिश्रण है, आइए देखते हैं, 20 किलोग्राम मिश्रण है,
स्प्रिट और जल की बात हो रही है, क्या है? 10% जल है, 10% जल है, 20 का 10% 2 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। आगे क्या कहा? आगे कहा और जल डालने पर वजन 25 किलोग्राम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जल ही डाला है, वजन 25 किलोग्राम जरूर हो गया लेकिन हमने डाला केवल जल है, तो ये 5 किलोग्राम केवल जल में बढ़ेगा, तो ये 7 हो गया और ये 18 हो गया। अब पूछा क्या है? नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है? जल कितना है? 7 है, लेकिन टोटल मिश्रण कितना है? 25 × 100, 25 × 100, 7 × 28% हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4th इसका करेक्ट है। चलिए ठीक है, ये इस सेट के पूरे 20 सवाल हो गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सेट कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।